प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि एक प्रोडक्ट से लोगों में भरोसे बने और लोग दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदे। वेलकम दोस्तों टू अ न्यू वीडियो। मेरे पास आ गया एक नया प्रोडक्ट, ये वाला नहीं, इसका बैकग्राउंड स्टोरी बाद में बताता हूँ। मेरे पास जो प्रोडक्ट आ गया वो है ये। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं एंड साथ साथ में बैकग्राउंड स्टोरी भी बताऊंगा तो आप इससे इसको रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद हम लोग को मिल जाता है दिस इज यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल का जो फोटो है मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके साथ मिल जाता है वारंटी कार्ड एंड दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट यूपीएस। दोस्तों इस यूपीएस का जो कैपेसिटी है वो है 600 वोल्ट एम्पियर या फिर 360 वाट। बैटरी कैपेसिटी कितना है दोस्तों, इसमें जो बैटरी दिया गया है वो है 7Ah। दोस्तों इसमें ऑटो स्टार्ट या कोल्ड स्टार्ट का फैसिलिटी दिया गया है। ऑटो स्टार्ट तो नॉर्मली यूपीएस में दिख जाता है लेकिन कोल्ड स्टार्ट का फैसिलिटी भी है जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों इस यूपीएस में 3 आउटपुट सॉकेट दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा पास से, देख सकते हैं 1, 2, 3। दोस्तों जब भी आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से या पीसी से कनेक्ट करेंगे अगर ये एसी मोड में रहा तो ग्रीन जो लाइट है वो जलता रहेगा एंड अगर बैकअप मोड में रहा तो जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक करता रहेगा। मेरे पास कोई डेस्कटॉप नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है लेकिन लैपटॉप के लिए तो यूपीएस का जरूरत नहीं, फिर भी मैंने इसको क्यों खरीदा। दोस्तों मैं अभी जो एरिया में रहता हूँ यहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होते रहता है, कभी वोल्टेज अप तो कभी डाउन, ऐसा होते रहता है। लैपटॉप का जो एडेप्टर है ये तो अपना काम करता है, ये सच प्रोडक्ट के हिसाब से ही काम करता है लेकिन फिर भी मैं और प्रोटेक्शन चाहता था अपने लैपटॉप के लिए, इसके लिए मैंने यूपीएस को लिया है एंड कुछ दूसरे काम भी रहते हैं उसके लिए एक यूपीएस लेना जरूरी था मेरे लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने वीडियो को एडिट तो कर लिया लेकिन वीडियो रेंडर हो रहा है एंड जब भी वीडियो रेंडर होगा तभी जीपीयू का यूज सबसे ज्यादा होगा एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो लैपटॉप के बैटरी बैकअप में जीपीयू उतना अच्छे से काम नहीं करता है, उतना फास्ट काम नहीं करता है। इसके लिए मुझे एक बैकअप चाहिए था जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो देता रहे, लैपटॉप का जीपीयू अपना फुल फोर्स में काम करता रहे एंड रेंडर जल्दी हो जाए। व्हाट इज के यूपीएस क्यों क्यों मैंने कोई दूसरा ब्रांड सिलेक्ट नहीं किया। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं ये एक पोर्टेबल स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर, ये मैंने खरीदा 1.5 साल पहले डीमार्ट से। ये अभी भी मैं यूज करता हूँ, इसका जो साउंड है वो मुझको उतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन जो बैटरी बैकअप है आज भी अच्छे से देता है। तभी से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया एंड बैटरी बैकअप अभी भी अच्छा है तो मुझको मालूम तो ये चलता है कि कंपनी का जो बैटरी है वो तो अच्छा है। ये चांसेस रहता है कि इसमें भी बैटरी बैकअप अच्छा दिया तो इसमें भी बैटरी बैकअप अच्छा देगा एंड जो रिव्यूज भी मैंने पढ़े हैं रिव्यूज भी अच्छे थे। मेरे पास चॉइस था दूसरा ब्रांड या फिर ये ब्रांड का दूसरा प्रोडक्ट, मतलब ये पोर्टेबल स्पीकर, देखिए ऑटिस लिखा हुआ है एंड प्रोडक्ट नया नहीं है, दिखा देता हूँ, थोड़ा धूल भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट पुराना है। इसको यूज करके मुझे ब्रांड के ऊपर तो भरोसा हुआ एंड उसी लिए मैंने इसको खरीदा क्योंकि 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। 1.5 साल से अगर आप एक प्रोडक्ट अच्छे से यूज करते हैं तो ब्रांड के ऊपर तो थोड़ा सा भरोसा आ ही जाता है एंड उसी भरोसे के ऊपर बेस करके मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा। व्हाट इज अबाउट द वारंटी, दोस्तों इस प्रोडक्ट के साथ में आ जाता है कंपनी की तरफ से 2 ईयर्स का वारंटी। इसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर दिया गया है तो मान लो आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो अप या डाउन हो लेकिन ये आउटपुट में मैनेज कर लेगा। दोस्तों अगर इनपुट वोल्टेज 140 वोल्ट से 300 वोल्ट के भी बीच में हो तो भी ये काम करेगा। दोस्तों ये यूपीएस आता है माइक्रो लोड डिटेक्शन के साथ में, मान लीजिए आपका राउटर इसमें कनेक्टेड है
सो ये डिटेक्ट कर लेगा बाय चांस करंट ऑफ हुआ तो इसको डिटेक्ट कर लेगा, यूपीएस बंद नहीं होगा। बहुत से कंपनी के यूपीएस ऐसे होता है कि जो छोटे छोटे माइक्रो डिवाइसेस होते हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है एंड यूपीएस बंद हो जाता है, तो वो चीज आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये यूपीएस आता है ओवर डिस्चार्ज, ओवर चार्ज एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ में। यूजर मैनुअल में ऑलरेडी बताया गया लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इस यूपीएस के साथ में आप लेजर प्रिंटर या फिर स्कैनर कनेक्ट मत कीजिएगा। और एक चीज, इसको फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले एटलीस्ट इसको 4 आवर्स चार्ज कर ले। दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लाइट दिया गया इससे आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा। अगर बैटरी लो हो तो बीप का साउंड हर सेकंड में बजेगा, अगर ये ओवरलोड हो तो बीप का साउंड हर 0.5 सेकंड में एक बार बजेगा, मतलब सेकंड में 2 बार बजेगा। एंड अगर कुछ फॉल्ट हो तो ये बीप जो है वो कंटिन्यूअस बजता रहेगा। दोस्तों देखिए मैं अभी यूपीएस का स्विच जो है इसको प्रेस किया एंड ये अभी ऑन हो गया एंड ये जो बीप साउंड हुआ ये हर 10 सेकंड में होते रहेगा क्योंकि ये पावर से भी कनेक्टेड नहीं है। अगर पावर से कनेक्टेड रहेगा तो ये आवाज नहीं होगा, लेकिन बिकॉज पावर से कनेक्टेड नहीं है हर 10 सेकंड बाद ऐसा बीप साउंड बजता रहेगा। एक बार अभी आपने सुना, एक बार फिर बजेगा। इसका वेट क्या है? दोस्तों इसका जो वेट है वो है 4.25 केजी। दोस्तों आप लोग अभी देख सकते हैं मैं यूज कर रहा हूँ Asus का ROG लैपटॉप, ये गेमिंग लैपटॉप है एंड गेमिंग लैपटॉप है बोल के इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है नॉर्मल लैपटॉप के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है। एंड इस यूपीएस को मैंने लैपटॉप में कनेक्टेड करके रखा था एंड जो पावर सप्लाई है उसको बंद कर दिया था एंड उसके बाद जो रन टाइम में दिया था वो है 62 मिनट्स, मतलब 1 आवर एंड 2 मिनट्स। अगर आप इस यूपीएस से पीसी को रन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रन टाइम है वो कम मिलेगा, लेकिन अगर आपका पीसी हेवी है, मान लीजिए उसमें बहुत अच्छा प्रोसेसर है साथ ही साथ बहुत अच्छा ग्राफिक्स है वगैरह वगैरह, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो ज्यादा होता है, तो आपका जो रन टाइम है आपको और कम मिलेगा। दोस्तों नॉर्मली तो लैपटॉप के साथ में यूपीएस का जरूरत नहीं होता है, लेकिन पहले भी मैं आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है एंड वोल्टेज का जो अप डाउन है वो भी होते रहता है। सो मेरा ये जो यूपीएस है ये एज अ सर्च प्रोटेक्टर भी काम करेगा एंड साथ ही साथ जब भी वीडियो का रेंडरिंग चलता है तो थोड़ा परफॉर्मेंस का जरूरत रहता है, तभी अगर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड ना हो तो जीपीयू उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, सो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है, तो फिर रेंडरिंग जो है वो बहुत ही फास्ट होता है एंड जब तक मेरा वीडियो रेंडरिंग होगा ये यूपीएस मेरे लैपटॉप को अच्छे से बैकअप दे देगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट का जो बेस्ट बाय लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो बेस्ट बाय लिंक पर क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं।